लोगों को ये बताइएगा पीएम के जरिए कि क्या क्या काम करवाए, या फिर ये कि कोई और आ जाएगा तो भारत माता की जय नहीं बोलने देगा। अगर ये सेम चीज बंगाल में होती तो यही कहते आप? अमित जी ये तरीका ठीक नहीं लगता मुझे आपका, आपको तरीका बुरा लगता है बताइए। हम लोग भी तो फील्ड में गए ना सर, हर जगह युवा नौकरियों की बात कर रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। अगर हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया के डिबेट्स में सरकार के नुमाइंदों से सवाल होने लगे तो देश में डिबेट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, लेकिन अफसोस गोदी मीडिया की डिबेट्स में ऐसा बहुत कम होता है। आज हम गोदी मीडिया की ही डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें वह बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करते नजर आए हैं। बिहार चुनाव के मुद्दे पर ही न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश ने एक घटना का जिक्र कर बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता विपक्ष पर उंगली उठाते दिखे, तभी अमीश ने उन्हें टोक दिया। जेडीयू के एक ताकतवर नेता की सपुत्री है कौन कि नहीं? है एक अधिकारी है नहीं, उनकी सपुत्री है कि नहीं है, इसीलिए कार्रवाई में इतनी देरी हुई कि नहीं हुई, इसीलिए तेजस्वी यादव को मौका मिला नहीं मिला कि आपकी विकेट कमजोर हुई है। गौरव भाटिया आपकी विकेट कमजोर पड़ी है इस चुनाव के अंदर, मुंगेर की घटना ने बीजेपी को डाउन करा है। जब तक जनता विकेट होगी, जनता हमेशा हमें आशीर्वाद देगी, ये जान लीजिए। और दो बातें आपके चैनल पे उठाता हूँ बड़ी, पहली बात अगर ये बंगाल में हो जाती, ये राजस्थान में हो जाती, सेम बयान होता आपका, ये बंगाल में एक सेकंड है, नवल किशोर शांत रहिए, गौरव भाटिया कौन हो जाएंगे तब पूछेगा ऐसे अपने परेशानों ने सवाल उसको सुनकर अगर ये सेम चीज बंगाल में होती तो यही कहते आप? अमित जी ये तरीका ठीक नहीं लगता मुझे आपका, ये मुझे सवाल पूछना पड़ेगा ना आपसे सर, ये तरीका बुरा लगता है बताइए, सवाल तो पूछना पड़ेगा ना मुझे, यही चीज बंगाल में होती तो गौरव भाटिया यही कहते हैं। बिहार चुनाव के मुद्दे पर आज तक पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया को बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा करने को कहा, जिसके बाद वे विपक्ष पर निशाना लगाते हुए आंकड़े देते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें 15 साल का हिसाब देने को कहा। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, बाढ़ में राहत कैसे हो, रोजगार, चीनी मिल, डबल इंजन का फायदा क्यों नहीं, गौरव भाटिया बता रहे, रुकिए सर रुकिए। उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे आपके चैनल पे झूठी प्रवक्ता ने झूठ बोला, ये मेरे हाथ में CMIE के आंकड़े 2 नवंबर के, आप देख लीजिए इसमें क्या है अनएम्प्लॉयमेंट दर, बिहार की इसमें दर है 9.8%। ठीक है, ये तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन ये 15 साल पुरानी बात हो गई, फैक्ट्रियां, निवेश, नौकरियां, ये सब भी तो है ना, क्या देखिए अब जब आप बिजली, सड़क, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही 15 साल में पूरा करेंगे तो फिर नौकरी की बारी कब आएगी सर? नौकरी हो गई, केवल आपकी नौकरी। अरे सर आंकड़े तो हम लोग भी तो फील्ड में गए ना सर, हर जगह युवा नौकरियों की बात कर रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए। बिहार चुनाव के मुद्दे पर आज तक पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी सरकार को उपलब्धियां गिनाने को कहा, तभी नेता कुछ आंकड़े देते दिखे। इस दौरान कुछ आंकड़ों पर एंकर ने उन्हें बीच में टोका और सही से जवाब देने को कहा। मैं उपलब्धि की बात कर रहा था तो उपलब्धि से ही शुरू करता हूँ। बजट का आप, मैं कंपैरिजन करूंगा लालू प्रसाद जी के समय का नीतीश जी के समय के साथ। बजट का आकार कितना था लालू जी के समय में? 23,800 रुपए का बजट का आकार था, वो बढ़ करके विगत 15 वर्षों में 2,11,796 करोड़ रुपए का हुआ। GDP पहले 3.19% था जो बढ़कर 11.3% हुआ। अभी 15 सालों में जो कि बहुत कम है, सुन लीजिए मेरी बात भी सुन लीजिए, गरीबी रेखा में आज भी 30%, ये देखिए डेटा सब यहाँ पर है, आज भी बिहार की जनता वहां नहीं है, उसके नीचे है। 15 साल में आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं संबित जी, ये ऐसे आंकड़े नहीं है, अगर देश के अन्य राज्यों से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। ये संबित जी ये सच्चाई है, आंकड़े यहाँ भी खुले हुए हैं, उसका जवाब है ना, आते हैं एक एक रिएक्शन सबसे ले लें, मैं जवाब एक रिएक्शन ले लें। बिहार चुनाव में भारत माता की जय के नारे को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से इस नारे की जरूरत चुनाव में क्यों पड़ी, इस पर जवाब मांगा। तब वह सरकार के कामों का हिसाब देने लगे, जिस पर एंकर ने उनसे कुछ तीखे सवाल किए। सबसे पहला सवाल सैयद जफर इस्लाम, मेरा आपसे है, 15 साल की सरकार के बाद लोगों को ये बताइएगा पीएम के जरिए कि क्या क्या काम करवाए, या फिर ये कि कोई और आ जाएगा तो भारत माता की जय नहीं बोलने देगा। देखिए सबको मालूम है कि पिछले 15 साल में जो विकास हुआ है, जो करप्शन कम हुआ है,
जो क्राइम कम हुआ है, जिस तरह से लोगों को एक ऐसी जिंदगी मिली है जिसमें वो लोग बिल्कुल डर और भय खत्म हुआ है। लेकिन ये सब बताने की जरूरत नहीं है रैली में, मतलब नहीं, को ये कहने की जरूरत है कि भारत माता की जय और जय श्री राम नहीं बोलने देंगे अगर इनकी सरकार आ गई। नहीं नहीं, ये भी जरूरी है कि जो देशभक्त नहीं है उनको एक्सपोज करना भी जरूरी है बड़े। नहीं तो ये जो बात उन्होंने कही या जिनके लिए आप कह रहे हैं देशभक्त नहीं है वो कौन है? वो तेजस्वी यादव है देशभक्त नहीं है जो, या वो कांग्रेस पार्टी जिनको आप पहले ही कहते हैं कि चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में, कोई पूछता नहीं इनको? देखिए दोनों पार्टियों में कोई कमी नहीं, इसीलिए तो दोनों साथ हैं। ये मौके बहुत ही कम आते हैं जब मीडिया बीजेपी नेताओं से कुछ सवाल करता हो। हम उम्मीद करेंगे कि देश के अन्य मुद्दों पर भी मीडिया ऐसे ही सरकार से सवाल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।